हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल के बारे में। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है, ऑलमोस्ट अभी तो सारे स्टॉक निचले स्तर से बहुत बड़ी रैली दे चुके हैं और ऑलरेडी अभी भी दे ही रहे हैं, बट उनमें से यूपीएल भी एक स्टॉक है जो कि अच्छी खासी रैली दे रहा है। ब्रेकआउट होके उसमें अराउंड 500 के लेवल से अभी रिसेंटली कुछ दिनों से ही अच्छी रैली हो चुकी है, बट ये रैली कहाँ से रिवर्सल पॉइंट में तब्दील हो सकती है और कहाँ से इसमें यू टर्न लग सकता है, अपर लेवल आपको देने वाले हैं यूपीएल के इस वीडियो में। लेकिन यूपीएल के लेवल्स को वीडियो में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो हमने टाटा मोटर का लेवल कल के इस वीडियो में दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा मोटर का हमने वीडियो बनाया था और टाटा मोटर में भी कुछ इसी तरह से एक बड़ी रैली हो रही थी और हो भी रही है अभी भी। तो ये जो रैली है ये कहाँ पर थम सकती है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था और इसके मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट है। तो हमने आपको अपर साइड में दो रेजिस्टेंस लेवल दिया था जो कि 287 और 297 अराउंड का था और इसमें आपको क्लियरली कहा था कि इन दोनों लेवल्स में से किसी भी लेवल से रिवर्सल आ सकता है और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था सेम चीज़। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो 287 का जो हमारा लेवल था वो जस्ट एक रीच किया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई ओपनिंग के बाद, उसके बाद 287 का जो लेवल है उसको ब्रेक किया, उसके बाद देख सकते हैं आप एग्जैक्ट जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था 297 के अराउंड का, तो 297.2 हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था और इसका जो हाई लगा वो 299 का और वहाँ से जो गिरावट आई वो मोर देन 10 रुपीज़ तक की गिरावट आई। यहाँ से आप देख सकते हैं 286.6 तक का लो लगा। तो आई होप टाटा मोटर्स में अपर साइड में हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी थी कल वाली वीडियो में। आई होप जिन्होंने टाटा मोटर में निचले स्तर से बाई करके रखे होंगे उन्होंने इन लेवल्स में ज़रूर प्रॉफिट बुक किया होगा या अपर लेवल में बाइंग में नहीं फंसे हो। इस चीज़ को हम आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एवरीडे हम आपको लेवल देते हैं किसी न किसी स्टॉक में, तो इस चीज़ को दिखाने का मेरा मकसद ये रहता है कि जो नेक्स्ट मैं आपको लेवल देने वाला हूँ उस लेवल को आप इसी विश्वास के साथ यूज़ कर सकें। तो अब चलते हैं यूपीएल के चार्ट में और उसमें आपको यहाँ पे आप यूपीएल में देख सकते हैं जो नीचे से रैली हो रही है 495 का जो लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद इसमें आज का जो हाई लग गया है वो 594 का है, अराउंड 100 रुपीज़ तक की रैली हो गई इसमें। तो अभी इसमें अपर लेवल में एक सॉलिड रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है, इसे नोट करके रखना है क्योंकि जो भी नीचे के लेवल से लेके रखे होंगे उनके लिए ये एक अगेन जैसा कि टाटा मोटर में मैंने कल की वीडियो में कहा था सेम इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग लेवल साबित हो सकता है जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 611616 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ज़रूर जो भी नीचे स्तर से बाई करके रखे होंगे यूपीएल को वो इन लेवल्स पे अगर ये आता है तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें क्योंकि जब तक इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज नहीं देख करेगा तब तक इसमें अनदर फिर से एक बड़ी रैली जैसा कि ये इस तरह की रैली की संभावना बिल्कुल नहीं बनेगी। तो 616 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है आप ज़रूर इसमें प्रॉफिट बुक करें या फिर अपर साइड में अवेयर रहें, बाइंग में ना फंसे। एक बार 616 का लेवल ब्रेक करके क्लोज करें उसके बाद आप ज़रूर इसमें नेक्स्ट रैली का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। तो इस लेवल को नोट करके रखें और यूपीएल में आने वाले दिनों में इन लेवल्स को वेट करके उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग चार्ट आपके साथ रेगुलरली डिस्कस कर सकें।